सब्सक्राइब करें सेहत जिंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। डॉक्टर साहब, हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि शुगर की बीमारी की कितनी अकसाम है? मेरे भाई और मेरे तमाम दोस्तों और मेरे देखने वालों, वैसे तो ज़्यादा जो है उसको हम लेते हैं टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 इसलिए डिस्टिंक्ट है, इसलिए इसके बारे में जानना ज़रूरी है कि ये बचपन में ही डायग्नोज होती है, ज़्यादातर बच्चों में इसकी तशखीस हो जाती है। टाइप 1 का मतलब ये होता है कि हमारा जो लुबलबा है उससे जो इंसुलिन निकल रही है वो बिल्कुल या तो है नहीं, और वो जो है ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से या हमारा अपना जो है डिफेंस मैकेनिज्म इतना कमज़ोर होता है कि वो जो है इंसुलिन बना ही नहीं रहा। अब वो इंसुलिन ज़ाया कैसे हो जाती है? एक तो वो जेनेटिक वजह है कि जीन्स की वजह से है, दूसरा फैमिली की वजह भी हो सकती है, तीसरा वो एटैमिक या तापकारी रेज हो सकती हैं जो कि पैंक्रियास को इफ़ेक्ट करती हैं, चाहे बच्चा माँ के पेट में हो या पैदाइश के इब्तदाई दिनों में हो। सिर्फ इतना जानना ज़रूरी है कि जो हमारे पैंक्रियास के बीटा सेल्स हैं जो कि इंसुलिन बनाते हैं, और वो इंसुलिन ही हमारे बदन में जो शुगर होती है या शक्कर होती है, ग्लूकोज होती है, उसको रेगुलेट करता है, और उसको जो है ग्लूकोज को जो है सेल्स में शामिल करने के लिए एक जिसे कहते हैं मददगार की तरह जो है इंसुलिन होता है। और जब वो ग्लूकोज हमारे बदन में खून के अंदर चला जाता है तो जहाँ जहाँ वो खून जाता है वहाँ जहाँ जहाँ आप मरीज़ को जो है या बंदे को इंसान को जो है वो चाहिए होती है तवानाई, उस तवानाई को वो बरकरार रखता है। तो सबसे ज़्यादा ग्लूकोज की ज़रूरत तो हमारे ब्रेन को होती है। अब ये बच्चों में इसलिए डायग्नोज हो जाती है कि बच्चों के सिम्टम भी होते हैं कि बेड वेटिंग करते हैं, बिस्तर पे पेशाब निकल जाता है, स्कूल में बार बार पेशाब के लिए जाते हैं, प्यास ज़्यादा लगती है, फोड़े फुंसियाँ बदन में निकल आते हैं, जल्दी इमराज ज़्यादा होते हैं, गाल पिचक जाते हैं, एनीमिया हो जाता है, अमूमन बुखार रहने लगता है, साथ ही साथ में रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी सीने के अमराज होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे बच्चे जो हैं जल्द जल्द खाना मांगते हैं, बहुत खाना खाते हैं, प्यास इन्हें शदीद लगती है, और अगर रोटी या खाने में या जिस स्नैक्स में अगर देर हो जाए तो बच्चे जो हैं हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से बेहोश भी हो जाते हैं। इस टॉपिक को हम बिल्कुल अलग से लेंगे ताकि ये समझ आ जाए कि भाई हमारी फैमिली में किसी भी बच्चे को, किसी भी लड़की को अगर 5 साल से 15 साल के दरमियान में शुगर की अलामत ज़ाहिर हो जाएँ तो उसकी तरफ फ़ौरन तवज्जो दें। इसमें आप अपने डॉक्टर से, अपने फैमिली मालिक से, लेबॉरटरी से, स्कूल के सदस्य से, और जो लोग उसको ट्यूशन देते हैं या ट्यूटर्स होते हैं उनसे मालूम करें कि बच्चे की हैबिट क्या है, बच्चा कितना इंटेलेक्चुअल है, तालीम में कैसा है, बार बार बाथरूम तो नहीं जाता, ख़ारिश तो कोई उसको नहीं हो रही मुसलसल जल्द के ऊपर जो है, प्यास तो बार बार नहीं लग रही, यूरिन का इन्फेक्शन तो बार बार नहीं हो रहा, वेट उसका जो है वो कम तो नहीं हो रहा। तो ये इसकी मेजर किस्म है। दूसरी है टाइप 2। टाइप 2 अमूमन जो है वो 85 से लेकर 95% के दरमियान मुख्तलिफ ममालिक में है। पाकिस्तान में ये बीमारी 90% है। टाइप 2 बीमारी जो है ये ख़ानदानी बीमारी है, इसका ताल्लुक जो है ख़ानदान के अलावा जो है आपके लाइफ स्टाइल से है, और इसको यूँ कह लें कि भाई आपके बदन जो है उसमें जो खून है उसमें जो है शुगर जो है वो तैर रही है। अब ये शुगर आती कहाँ से है? पहले तो प्रीडिस्पोजिशन जो है वो हर उस शख्स को जो है टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो 30-35 साल से ऊपर जो है ख़तरा रहता है, जिसके माँ बाप या रियल अंकल या नाना नानी दादा दादी को ये हो या उसके ख़ानदान में पॉजिटिव हिस्ट्री हो। दूसरा, ऐसे लोग जो हैं वो काहिल होते हैं, सुस्त होते हैं, ओवरवेट होते हैं। तीसरा यह कि वो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, शक्कर की गदाएँ, मिठाइयाँ, मीठी चीज़ें मीठे अशरूब लेते हैं। चौथे, वो लोग होते हैं कि जिनको जो किसी किस्म का नशा, नस्वार, बीड़ी, पान, गुटखा और जो है इस किस्म के और सिगरेट जो है नोशी करते हैं, सिगरेट और शराब नोशी भी इसमें शामिल है। तो ऐसे लोगों को भी जो है टाइप 2 डायबिटीज़ का ख़तरा रहता है। उन लोगों को भी ज़्यादा ख़तरा रहता है जो मुख्तलिफ किस्म की जोड़ों की अद्वियात इस्तेमाल करते हैं या दमे की अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। तो जिन दवाइयों को स्टीराइड से सप्लीमेंट किया जाता है तो वो स्टीराइड्स वाली जो अद्वियात होती हैं वो खून में कैल्शियम विटामिन डी की कमी करने के बावजूद के साथ साथ आपके ग्लाइकोसूरिया, आपके खून में और आपके जो है पेशाब में जो है शक्कर की मकदार ज़्यादा कर लेते हैं, और यूँ पेशाब में भी जो है शक्कर ज़्यादा आना शुरू हो जाती है, और साथ ही साथ में जो है इन लोगों को जल्द या बदेर 5 साल के बाद या 10 साल के दरमियान जो है ये टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। तो डायबिटीज़ टाइप 2 जो है इसको भी हम कहते हैं कि ये वो एटम बम है जो कि एक्सप्लोड यानी फटने को तैयार है, ठीक है कि नहीं?
اب ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں خاندان کے علاوہ بھی جہاں چار آدمی چاہے مرد ہوں عورتیں ہوں چار میں سے ایک شخص جو ہے وہ ڈائبٹیز کا شکار ہے، اب آپ ان کو فالو کیسے کرتے ہو؟ فالو تو یہ ہے کہ آپ نے اسے پکڑ لیا، آپ نے بلڈ شوگر چیک کر لیا، وہ کہیں کسی فنکشن میں گیا، ڈاکٹروں کے فنکشن میں یا کسی ہاسپٹل میں، وہاں اس سے چیک کروا لیا، اسے کوئی بیماری ہو گئی اور وہ اپارچونسٹیکلی یعنی جو ہے اتفاقاً جو ہے اس کا شوگر چیک ہو جائے تو ہم کہتے ہیں جی جناب آپ کا شوگر ہائی ہے، لیکن اس کی علامات وہی ہوتی ہیں، منہ کا خشک ہونا، جذباتی ہو جانا، دماغی پریشانی، غصے میں جلد آ جانا، پیاس کا بار بار لگنا، دوستوں میں کھڑے ہو کے کسی موضوع کے اوپر بات نہ کر سکنا، بار بار لیٹرین کی ضرورت پیش آنا، ٹینشن میں رہنا، جلدی جلدی زیادہ کھانا کھانا، کھانے میں جو ہے چکنائی کی اور میٹھی چیزوں کی طرف جو ہے زیادہ رجحان رہنا، پھر ورزش نہ کرنا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ شخص جو ہے یا اس کے خاندان میں ضرور ڈائبٹیز ٹائپ 2 ہو جائے گا۔ اس میں انسولین تو ہوتی ہے، بیٹا سیل سے نکلتی ہے، لیکن یا تو اس کی مقدار بہت کم ہوتی ہے یا انسولین نارملی نکلتی ہے اور اس کا سٹرکچر جو ہے ڈیفیکٹیو ہو جاتا ہے، یعنی جو اس کی بناوٹ جو ہے وہ جو ہے اس میں فرق ہوتا ہے، یعنی بیٹا سیل جو پینکریاس کے ہوتے ہیں وہ اسے صحیح پروڈیوس نہیں کرتے، صحیح مقدار میں پروڈیوس نہیں کرتے، یا انسولین جو ہے کسی بھی پینکریاس کے انفیکشن کی وجہ سے ڈیفیکٹیو ہو گئی۔ ساتھ ہی ساتھ اس میں جو ہے ٹائپ 2 میں ایک اور قسم ہے جسے ہم میٹابولک سنڈروم کہتے ہیں، اور جسے ہم کہتے ہیں کہ انسولین ریزسٹنس، یعنی پینکریاز انسولین بنا رہا ہے، نارمل مقدار میں بنا رہا ہے، لیکن یہ انسولین جو ہے یہ آپ کے باڈی میں جو آپ نے شکر کھائی ہے جو کہ خون میں بھی ہے، پیشاب میں بھی نکل رہی ہے، تو یہ اسے مناسب مقدار میں آپ کے خون میں شامل نہیں ہونے دے رہا۔ اگر انسولین نارمل ہوگی تو جو آپ کے خون میں جو گلوکوز ہوگا وہ آپ کے باڈی سیلز میں داخل ہوگا، وہ دیکھیں ہر باڈی سیل کو گلوکوز کی ضرورت ہے، تو یہ ایک انسولین ایک چابی ہے، اس سے وہ تالا کھل جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے گلوکوز نے خون کے اندر جانا ہے۔ زیادہ طور کاہلی، موٹاپا، پیٹ کا موٹا ہونا، کولوں کا موٹا ہونا، گردن پہ چربی کا ہونا، یہ ساری جو ہے اس کی علامات میں شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر ریاض شاہد آپ سے اجازت چاہتا ہے، شکریہ۔